हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है फ्लाइंग शॉर्ट एंड जोन में। चलिए आज हम कुछ जीके के स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करते हैं जो एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले क्वेश्चन पे हम आएँ, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जीके क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एसएससी कई प्रीवियस ट्रेंड्स में देखा गया है कि प्रीवियस ईयर को वेटेज देता है, तो उसी बेसिस पे मैंने ये क्लास ली है और आपके लिए डाली है। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चंस पर। महात्मा गांधी बिगेन हिज पॉलिटिकल एक्टिविटी इन इंडिया फर्स्ट फॉर्म। देखिए, महात्मा गांधी ने सबसे पहले पॉलिटिकल एक्टिविटी की शुरुआत चंपारण से की थी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1917 में जब श्री राजकुमार शुक्ला के आह्वान पर उन्होंने इंडिगो फार्मर्स के लिए प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि उस समय ज़बरदस्ती फार्मिंग करने के लिए मजबूर किया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर दो पर आते हैं। व्हेन इज इंटरनेशनल योगा दिवस इज सेलिब्रेटेड। देखिए, योगा दिवस 21 जून से मनाया जाता है और हर साल मनाया जाता है, भारत में नहीं पूरे इंटरनेशनल कंट्रीज़ में। तो इसकी शुरुआत 2015 से हुई थी जब पीएम नरेंद्र मोदी ने यूएन में अपना अभिभाषण दिया था, तब से 2015 से पूरे विश्व में मनाया जाता है। भारत में इसकी शुरुआत 2014 से हो गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन, द ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज। देखिए, एल्यूमिनियम का जो ओर है वो है बॉक्साइट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ये एक प्राइमरी सोर्स है एल्यूमिनियम का, और एल्यूमिनियम का केमिकल फार्मूला होता है Al2O3, जिसमें दो हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये सेडिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रॉक में पाया जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्म्स में ये पाया जाता है आमतौर पर। चलिए क्वेश्चन नंबर चार पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चार है, इंडियन फर्स्ट टॉकी फिल्म प्रोड्यूस्ड इन 1931 वॉज। 1931 में जो पहली बोलने वाली इंडिया की फिल्म थी वो कौन सी थी? तो वो थी आलामारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, इसकी जो डायरेक्शन थी, जो डायरेक्टेड किया था, ये किया था अरदेशिर ईरानी ने। ये 1929 में आई बोट, अमेरिकन शो था ये बोट, जिससे इंस्पायर होकर इन्होंने 1931 में आलामारा को प्रोड्यूस किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँच पे आते हैं। हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, जैसा हम जानते हैं, और पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये स्कॉटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, और जब ये डिस्कवर्ड हुआ था उसके कुछ सालों बाद इसका यूज़ बहुत व्यापक तरीके से World War II में जो वाउंडेड सोल्जर्स थे उन पर ये किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर छः पे चलते हैं। फैसिज्म बिलीव्स इन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ। तो फैसिज्म एक टाइप का गवर्नमेंट होता है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इसमें जो एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल होता है वो होता है टोटलिटेरियनिज्म। ये एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जिसमें, ये एक राजनीतिक संरचना है जिसमें किसी देश की जनसंख्या पूरी तरह से अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में सरकार के पूर्ण अधिकार के अधीन होती है। तो इसका ऑप्शन है बी, टोटलिटेरियनिज्म। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सात, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज प्रीवियसली नोन एज। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम 1955 में बदला गया था, और इसका ऑप्शन है ए, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया से। तो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका ऑप्शन सही है, जिसका नाम 1955 में बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आठ पर आते हैं। द क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमिलियर होंगे आप लोग इससे। तो इसका ऑप्शन है सी, कुचिपुड़ी। ये बहुत बार आता है, इसीलिए मैं इन सवालों को ले रहा हूँ, क्योंकि बार बार आते हैं, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर नौ पे चलते हैं। इन विच ईयर डिड दादा साहेब फाल्के प्रोड्यूस द फर्स्ट फीचर फिल्म। देखिए, दादा साहेब फाल्के, जिसे इंडियन फिल्म का जनक माना जाता है, ये फाउंडर हैं इंडियन फिल्म मेकर्स के। तो इन्होंने 1913 में सबसे पहली फिल्म जो प्रोड्यूस की थी वो थी राजा हरिश्चंद्र। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 1913। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ए फ्यूज़ वायर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय। देखिए, फ्यूज़ वायर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो विशेषता होती है, वो होती है हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। लो मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होती है ताकि जब भी सर्किट्स में ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लो होता है तो ये मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने से सर्किट को ब्लॉक कर देता है, ख़त्म कर देता है, जिससे हमारे बाकी के सामान जो हमारे हाउसेज में होते हैं वो बच जाते हैं ओवरफ्लो होने की वजह से।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। साइनाइड पॉइजनिंग कॉजेज डेथ इन सेकेंड्स बिकॉज, देखिए साइनाइड पॉइजनिंग ब्रेक कर देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, जो ऑप्शन डी है इज द करेक्ट आंसर। इट ब्रेक्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्यों हमारे शरीर में इंपॉर्टेंस रखता है? क्योंकि ये मेम्ब्रेन्स के बीच में होता है, ये पेप्टाइड एंजाइम्स और मॉलिक्यूल्स के प्रोडक्शंस में उनके बिल्डअप के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो वो रुक जाता है जिससे हमारी अचानक डेथ हो जाती है। उसमें कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है जो सबसे पहले होता है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। मॉलिब्डेनम डेफिशिएंसी अफेक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ, देखिए ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो प्लांट्स की टर्मिनोलॉजीज में बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ये आमतौर पर नाइट्रेट के साथ एसोसिएट होता है, नाइट्रेट के बिल्डअप में। तो जब ये कम होगा तो नाइट्रेट रिडक्टेस कम होगा, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाइट्रेट रिडक्टेस के कम होने से जो फ्री अमीनो एसिड्स होते हैं प्लांट्स में वो भी कम हो जाएंगे, तो उनमें कई डेफिशिएंसीज या कई ग्रोथ डेफिशिएंसीज देखने को मिलेंगी प्लांट्स में, तो इसका ऑप्शन है ए करेक्ट, नाइट्रेट रिडक्टेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। द फादर ऑफ कंप्यूटर इज, तो कंप्यूटर के फादर जिन्हें कहा जाता है वो कौन है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार आता है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। व्हेन ए हीलियम एटम लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स, देखिए इस हीलियम एटम की अगर हम बात करें तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा होगी, तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ए पॉजिटिव हीलियम एटम। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो 15 क्वेश्चन है, डोंट लाफ वी आर पॉलिस दिस बुक वॉज कंपाइल्ड बाई, तो ये बुक बिशन लाल बोहरा उस समय के आईजीपी थे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिन्होंने ये बुक लिखी थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। द डायनेमो कन्वर्ट्स, देखिए डायनेमो एक इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है जो डीसी करंट को प्रोड्यूस करता है बाय यूज ऑफ फॉर्मुलेटर, तो इसके ऑप्शन में अगर हम बात करें तो डायनेमो एक जनरेटर है, जनरेटर मैकेनिकल वर्क करता है, तो मैकेनिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और किस फॉर्म में? डीसी में, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसमें रोटेशन कॉइल ऑफ वायर और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं जिसकी मदद से ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। वॉक्समैन गॉट द नोबल प्राइज़ फॉर डिस्कवरी ऑफ, देखिए वॉक्समैन ने जो नोबल प्राइज़ पाया था वो स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑप्शन सी की खोज में पाया था। ये एक एंटीबायोटिक होता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ और भी बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।